हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डिजिटेक। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी टेक्निकल ट्रिक जिससे कि आप अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप को और डेस्कटॉप को ऑपरेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है सेम वाईफाई नेटवर्क से अपने लैपटॉप को और मोबाइल को कनेक्ट करने की। और मान लीजिए सुबह काम करने के बाद रश में आप घर पे पीसी को ऑफ़ करना भूल गए, तो मोबाइल से अपने ऑफिस से भी आप अपने पीसी को ऑफ़ कर सकते हैं। और यही नहीं, पीसी और लैपटॉप पे ऑनलाइन मूवी देखते हुए साउंड कंट्रोल करना पड़े या फिर किसी ऐड को स्किप करना पड़े तो आपको बेड से उठ के जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बेड से ही आप साउंड को या फिर ऐड स्किप कर सकते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि हाउ टू डू दिस, देन इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं क्रोम ब्राउजर पे एंड यहाँ पे मुझे नया टैब ओपन करना है। और हम नया टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे जो ऐप्स का ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऐप्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐप्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है वेब स्टोर पे एंड वेब स्टोर वाले पेज पे हम लैंड कर चुके हैं। और जो यहाँ पे आप सर्च ऑप्शन देख रहे हैं, इस सर्च ऑप्शन पे जाके आपको सर्च करना है रिमोट डेस्कटॉप। रिमोट डेस्कटॉप सर्च करने के बाद जो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन को आप ऐड टू क्रोम कर दीजिए। इट्स अ एक्सटेंशन, आप इस एक्सटेंशन को क्रोम में ऐड कर लीजिए ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करके। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड हो चुका है, इस एक्सटेंशन पे आप क्लिक करिए एंड क्लिक करने के बाद आपको रिमोट एक्सेस को टर्न ऑन कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं पीसी का नाम यहाँ पे शो हो रहा है एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। एंड यहाँ पे अपना आप पिन डाल दीजिए और इस पिन को आप याद रखिएगा क्योंकि यही सेम पिन आपको यूज करना है जब आप मोबाइल से ऑपरेट करेंगे। और यहाँ पे हमने अपना पिन दो बार इंसर्ट कर दिया है एंड देन क्लिक ऑन स्टार्ट। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड कन्वर्टेड टू ऑनलाइन। एंड इसके बाद हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे एंड मोबाइल स्क्रीन पे जाने के बाद आपको जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद जैसे कि हमने क्रोम ब्राउजर में रिमोट डेस्कटॉप सर्च किया था, यहाँ पे भी आपको यहाँ पे आपको प्ले स्टोर के अंदर रिमोट डेस्कटॉप सर्च कर रहा है और जो सेकंड ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करिए एंड क्लिक करके क्रोम रिमोट डेस्कटॉप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉलेशन विल टेक सम टाइम एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन ओपन। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं हम क्रोम रिमोट डेस्कटॉप के इंटरफेस पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे जिस जीमेल अकाउंट के थ्रू मैंने वहाँ पे एक्सेस किया था वही सेम जीमेल अकाउंट के थ्रू ही मैं एक्सेस कर सकता हूँ, इस बात का आपको खास कर ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आपको पासवर्ड नहीं शो कर रहा हूँ, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। इस स्टेप में आपको पासवर्ड इंसर्ट करना पड़ेगा जो आपने पासवर्ड डेस्कटॉप पे इंसर्ट किया था जब आप डेस्कटॉप पे सेटअप कर रहे थे। एंड नाउ हम अपने स्क्रीन पे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे लैंड कर चुके हैं थ्रू मोबाइल। और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं वन ऑफ द ड्राइव में हूँ जिसमें कि मेरी फाइल्स वगैरह स्टोर्ड हैं। एंड आफ्टर दैट हम चलते हैं गूगल क्रोम पे एंड क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद आप देख सकते हैं रिमोट डेस्कटॉप जो कि मैंने सेटअप किया था डेस्कटॉप पे आपके सामने ही अवेलेबल है। एंड इसके बाद मैं आ चुका हूँ अपने चैनल के इंटरफेस पे, चैनल वाले टैब पे। एंड अब मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ जिससे कि मैं आपको ये शो कर पाऊँगा कि ये माउस फंक्शनैलिटी और कीबोर्ड फंक्शनैलिटी भी आप ऑपरेट कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया था कुछ भी, ABCD मैंने सर्च कर लिया, ABCD सर्च करने के बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया है तो आपके सामने रिजल्ट अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप ना केवल साउंड कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि कीबोर्ड ऑपरेट करके जो भी क्वेरी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस पर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिएगा। एंड साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड सी यू।